जस्ट अभी भाई मैं घर पहुंचा और घर पहुंचते ही ना मतलब मैंने अभी बाल बाल सब धोए और कपड़े वपड़े चेंज करे तो मैंने पता है क्या सुना अभी कि आज के टाइम पे ना जो जब मैं अभी राइड वगैरह करके आया तो काफ़ी ज़्यादा धुंध थी सुबह सुबह और वहाँ पे मेरे को एक चीज़ पता क्या चली अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले न्यूज़ आई है कि GS 1250 और दो ट्रक होते हैं GS 1250 और एक ट्रक था उनका भाई बहुत मेजर क्रैश हुआ और क्यों हुआ है क्योंकि पता नहीं ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि भाई 100 मुंह 100 बातें कि यार ड्रैगे कर रहे ये कर रहे और वो भी KMP वाली रोड पे जहाँ पे चारों तरफ धुंध होती है तो भाई भैया ये जगह कौन सी जगह है। मैं तो यार यही चाहता हूँ कि भाई राइडर जो है ना वो बिल्कुल सेफ होने चाहिए और बस भगवान उनको जो है ना सेफ रखे और बाइक वाइक तो चलो आती रहती है बट स्टिल भाई GS जैसी बाइक जो है ना अगर मैं बोलूँ तो यार इतनी मस्त बाइक है बट उससे लोग क्या करते हैं ना थोड़ा पंप हो जाते हैं ड्रैगे करते हैं है मेरे ग्रुप में भी काफ़ी सारे बंदे थे जो ड्रैग करने के लिए मेरे को बोलते थे भाई चल 900 लेके चल तो भाई मत करो ड्रैगे और विंटर के सीज़न में भाई बिल्कुल मत करो बस क्या बोलूँ यार लोग क्या करते हैं ना लोग जोश में आने के बाद ड्रैग वगैरह करना शुरू कर देते हैं और फिर भाई गलती हो जाता है बहुत सारे ऐसे राइडर्स थे मतलब क्या ही बोले भाई 30 लाख रुपए की बाइक पूरी पानी में चली गई याद रखो भाई कभी भी ड्रैग मत कर देना अगर ट्रैक पे चले जाओ सेफ रहता है लोग क्या कहते हैं जोश में आने के बाद भाई ड्रैगे करने लगते हैं और फिर भाई कुछ हो गया तो पता नहीं उनकी फैमिली को क्या हो रहा होगा भाई मानो बात भाई मत करो रिस्क बहुत है भाई बाइक है ये 2-व्हीलर है जान ज़्यादा ज़रूरी है बाइक तो चलो बाइक भी ज़रूरी है बट स्टिल भाई जान ज़्यादा ज़रूरी है लोग ड्रैगों के चक्कर में भाई जान गंवा दे रहे हैं मत करो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई ये चीज़ मत करो।